हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज जुम्मा है, जैसे कि हम लोग कोई ना कोई चीज़ लाते हैं लाजमी जुम्मे को, तो हम ला चुके हैं। और ये आयान यहाँ पे कबूतर देख रहा है, पता नहीं कहाँ पे कबूतर आ गया है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मालिक ने आपको बताया कि हम डब लेकर आ चुके हैं, ठीक है। हर जुम्मे कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हम डब लेकर आपको दिखाते हैं। यार ये देखें, ये हम एक डव का जोड़ा लेके आ चुके हैं, डायमंड डव। माशाल्लाह से बहुत हसीन है ये। इनके लिए सेटिंग भी बनाएंगे हम ना, यहाँ पे ब्रीडिंग सिस्टम भी बनाएंगे इनका, जिसमें डार्क, जिसकी आंखें डार्क हैं, ये ऊपर जो है ये नर है, और वो जो बैठी है वो नीचे मादा है। और माशाल्लाह से हमारे ये पेयर भी ऊपर सेटल हो चुके हैं, जिनका हमने सेटअप बनाया था पिछले ब्लॉग के अंदर। ये देखें, ये भी बस खुशी खुशी रह रहे हैं अपने घर में। बस दुआ है कि ये भी ब्रीडिंग पे आ जाए। और बाकी जो हमने कबूतर आपको दिखाए थे, जो हमने अलग करे थे, इन सब के पर भी खोलते हैं आज। इनको हमने बाहर रखा था, धूप हो रही थी, इस वजह से अभी अंदर लेकर आ रहा है। तो इनको बाहर का सेटअप बनाएंगे सही सा। अभी तो धूप हो रही थी, बाहर सोचने चल लिया है। और अभी इनके पर वगैरह खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और बाकी सारे कबूतर को भी खोलते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आयान आ गया है, और ये इसने हमारे, हम लोग एक और कबूतर लाए थे शिराजी, जिसका हमने इस वाली शिराजी से जोड़ा लगा दिया है। तो इसके भी हमने पर नहीं बांधे, बस थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा इसका। तो अभी आ तो गया है नीचे, अब पता नहीं, एक ही दिन हुआ है आए हुए, तो देखते हैं क्या बनता है। खैर बाकियों को भी आयान अभी निकाल रहा है सबको। ये दूसरी निकाल दिया आयान ने, इसके नर को भी निकालेगा। कबूतर खत्म। कभी कभी ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कबूतर खत्म हो, एक आधी बचा हुआ होता है, तो शायद पूरा जोड़ा बचा है। हाँ ये वहाँ कहाँ जाके बैठ गई। खैर आ जाएगी भी वापस। अरे यार वहाँ कहाँ चली गई, वहाँ से तो आना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। देखते हैं अब क्या होता है, आती तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस हमारे साथ एज ऑलवेज ट्रेजेडी हो गई, फ्राइडे वाले दिन तो लाजमी जाती है, पता नहीं क्यों। खैर हमारा जो ये ब्राउन वाला नया वाला कबूतर था, जो हमने बोला था कि हम डायमंड डव के साथ आया था, ये वाला, ये कबूतर उड़ गया था। और ये फिर मैं इसके पीछे पीछे भागा हूँ, ये पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैं इसको देख देख के आ गया, फिर मुझे ये नहीं मिला। फिर मैं और अयान दोबारा गए कबूतर खुले हुए छोड़ के, यहाँ पे कबूतर खुले हुए थे, नहा रहे थे, इनको छोड़ के हम लोग गए वापस नीचे। फिर हम लोग गए बहुत आगे तक चले गए, वहाँ पे देख के आ गए, कहीं कबूतर नहीं मिला। वापस आए घर के पास वाले घर के ऊपर बैठा हुआ था, अयान बोलता वो रहा कबूतर। मैं फिर उसने मुझे वहाँ पर खड़ा किया है, वो इसकी मादी लेके आया, इसका जोड़ा लग गया था इस चिराजी वाली के साथ, इसके साथ लग गया था इसका जोड़ा। तो ये उसको लेके आया, इसको देख के आया, फिर अयान पकड़ के लाया इसे। पूरा हमारा आधा घंटा, और फिर अब रोज़ा भी लगना शुरू हो गया हम लोगों को, आधा घंटा इनको पकड़ने में चला गया, इसको पकड़ने में चला गया। सिर्फ ये सुकून से सारे कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे नहा रहे हैं। जो नर है इस वाली का, वो अंदर है, अंडों पे बैठा हुआ है। इसने तो एक ही अंडा दिया, मगर मुझे जो हमने शायद आपको ब्लॉग पिछले ब्लॉग में बताया था कि शिराजी ने हमारे दो अंडे दे दिए थे, पता नहीं कैसे, शायद उससे उधर से थोड़ा लग के आई हुई थी, तो दो अंडे इसने दे दिए। तो वो अंडे हमने जो है इनके नीचे रख दिए। अब देखते हैं इंशाल्लाह कैसे, मतलब बच्चे तो खैर, अगर शिराजी को अंडे तो शिराजी के निकलेंगे, नहीं तो अगर पब्लिक में किसी के भी अंडे हुए तो फिर किसी के भी निकल ही जाएंगे, पता चल ही जाएगा कि अंडे थे किसके। खैर बस दुआ करेंगे वो तीनों अंडे बिल्कुल सही सलामत रहें और उनके बच्चे भी निकल जाएँ। चले अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस ब्लॉग की एंडिंग करना तो हम भूल ही गए थे, और बटेर भी दिखाना भूल गए थे। तो बटेर ये रहे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, कबूतर भी सेट हैं, ये वाले कबूतर भी सेट हैं, नज़र नहीं आ रहे वो पिंजरे में, इस वजह से ये भी सेट हैं, डव भी माशाल्लाह से ये भी सेट हैं, ये भी सेट हैं। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस ब्लॉग को लाइक कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे हमारा ब्लॉग कब कब किस टाइम पर आ रहा है। खुदा हाफिज़।